पूरा गाइस करेक्ट निकला। दोनों तरफ की फिटिंग देखो, नीचे से भी फिटिंग देखो आप, दोनों तरफ की फिटिंग भी काफ़ी बढ़िया लग गई है, बहुत बढ़िया फिटिंग हो गई। उन लोग देखो गाइस, इतना बढ़िया लुक लग रही है, बिल्कुल अलग गाइस। टू माई न्यू ब्लॉग, फिर एक न्यू ब्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो गाइस आज अपने साथ है अल्टो, और गाइस इसमें आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि साइड मिरर कैसे लगते हैं। तो ये गाइस ये नॉर्मल वाले जो हैं तो ज़्यादा बढ़िया लुक में नहीं लगते हैं, इस कारण अपन ये वाले लगाएंगे। और ये हैं गाइस अल्टो 800 के हैंगे, तो वो मैं आखिरी में आप लोगों को पूरा बता दूंगा कि कौन से हैंगे, कितने के परचेज करें और कहाँ से लिए मैंने। ये काफ़ी कम लोगों को मालूम है गाइस, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। आज साइड मिरर है देखो, और काफ़ी बढ़िया अल्टो इलेक्ट्रिक के हैं, वो रहेंगे ये, और हर गाड़ी में लग जाते हैं गाइस। तो पहले इसके लिए अपने को पहले ये वाला ग्लास निकालना पड़ेगा गाइस, ये वाला पूरा, और उधर का भी गाइस ये निकालते हैं। तो इसको करते हैं स्टार्ट निकालना। तो गाइस देखो, इसको इस तरीके से थोड़ा सा बेंड करके खींचना, एक क्लिप लगी रहती है इसमें, इससे रहता है। तो ये निकल गई है। अब गाइस इसमें स्क्रू खोलना, तो दो स्क्रू अपने इसमें पहले ही निकले हुए हैं, अब ये वाला स्क्रू निकालेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा। तो खोलो इसको, ये देखो गाइस पेचकस से लगे हुए, और पीछे वाले को आपको पकड़ के रखना क्योंकि गिर जाएगा। ये गाइस निकल गया, और कुछ भी पैकिंग नहीं, ये निकल गया गाइस पूरा कंप्लीट निकल गया गाइस। देखो सिर्फ इतनी सी है कि और जगह से लगाना काफ़ी खोल रहा। तो गाइस ये जो नया वाला है गाइस, ये वाला है देखो, और इस टाइप का आएगा गाइस, ये उधर की साइड का आएगा, और काफ़ी बढ़िया गाइस। इसमें देखो एडजस्टेबल अंदर से आप कर सकते हो, और काफ़ी बढ़िया आएगा गाइस ये। अभी अफ्टर मार्केट में अपन ने गाइस काफ़ी देर तक, मतलब काफ़ी ढूंढा अपन ने, काफ़ी कम लोगों को मालूम है कि इसमें कौन से स्टॉल होते हैं। तो ये वाला आएगा गाइस लेफ्ट का, और ये राइट वाला है, तो ये उधर का खुलेंगे जब लगाएंगे। तो ये देखो ये निकल रहा है गाइस फुल का, तो देखो गाइस, और काफ़ी बढ़िया लगेगा गाइस लगने के बाद में, काफ़ी बढ़िया लगेगा। तो इसको पहले अपने को उसको सेट करके देखना पड़ेगा, कुछ है तो नहीं इसमें ख़राबी। तो गाइस इसमें पहले नट लगे हुए आते हैं, तो ये पैकिंग इतनी मिल जाती है, बाकी पैकिंग अलग से लेती है। तो जब तक ये नट खोलता है जब तक मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या पैकिंग अपने को अलग से लेना पड़ती है। तो गाइस ये पैकिंग अपने को अलग से लेना पड़ेगी, और ये वाली दोनों, मतलब दोनों चीज़ें अलग से लेना पड़ती है, और बाकी की तो गाइस जो आपको मिली जाती है इसके साथ में। तो गाइस ये देख लो कितनी धूल है इसको, तो पहले गाइस इसको अपन साफ कर लेते हैं क्लियर एकदम बढ़िया। तो गाइस पहले तो अपने को इसको कर दिया बिल्कुल साफ कर दिया। अब ये गाइस लगेगा मिलर, तो मिलर लगाएगा भाई हमारा युवराज भाई लगाएगा, तो मिलर लगा रहे हैं देखो। पहले अपने को होल मिला के लगाना है इस तरीके से, काफ़ी मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है गाइस, ये थोड़ी सी पट्टी वगैरह है, ये हो गई कम्प्लीट, और ये लग गया गाइस मिलर अपना। अभी इधर से इसको लगाना है नट, तो पहले ये पूरे नट लगा लेते हैं। नट अपने वही वाले रहेंगे गाइस, इसके नट दूसरे गाइस वाले लगेंगे, नए वाले लगाए तो नए वाले लगा देंगे अपन। तो पहले गाइस ये सभी नट लगा देते हैं। तो गाइस ये लग गया है, और गाइस इसके अंदर से निकल के आएगा। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें यही वाला लगता है, आप सोचो कि दूसरा कोई ऐसा लगता तो दूसरा नहीं लगेगा, वो भी मैं आप लोगों को आखिरी में बता दूंगा। अभी यहाँ पर इसके अपन ने पूरे नट अभी करे नहीं है, तो अभी पूरे टाइट कर देते हैं, पूरे कंप्लीट कर देते हैं एक बार टाइट बढ़िया, ताकि हिले नहीं। ये गाइस हो गए पूरे कंप्लीट। अब गाइस इस पर इसका फिटिंग लगाना है, तो फिटिंग भी गाइस अपनी रखी हुई है, फिटिंग गाइस अलग से लेना पड़ती है, ये आपको आफ्टर मार्केट से अलग से लेना पड़ेगी। ये गाइस ये कैचर है देखो, अब दिख नहीं पा रहा है सही साइड, मैं दिखाता हूँ। ये देखो गाइस ये इस तरीके की है कि ये इसमें नट कसा था पीछे की साइड से, तो इसमें लगाओ कहाँ लगेगी, ये गाइस यहाँ पर लगेगी, थोड़ा टाइट हाथ से दबाना पड़ेगा, टाइट है ये, तो इसको इस तरीके से बिठाना, इसको गाइस इस तरीके से बिठाते हैं। इसकी फिटिंग काफ़ी आसान है गाइस, सिर्फ इसको पीछे जो होल है गाइस ये होल मिलाना ज़रूरी, ये वाले जो पॉइंट है ये पॉइंट मिलाना अपने को, जो इसमें गाइस एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट मिलाना, ये तो डायरेक्ट ही अंदर हो जाएगा इसके अंदर, और ये वाला गाइस अपने नट घसने के काफ़ी बढ़िया काम में आएगा। तो गाइस इसमें पहले अपने को ट्रेड बनाना है इसके पूरे कंप्लीट, देखो ये पूरे इसके ट्रेड बनाना पड़ेंगे,
ये बन गए थ्रेड, तो इसको लगाने भी गए वापस। तो इसकी फिटिंग बिठाना है गाइस पीछे से, बिल्कुल प्रॉपर बैठाना है इसको। देखो आप जैसे यहाँ फिटिंग नहीं आ रही है ना, ये फिटिंग बिठाना अपने को मेन। तो गाइस ये अपने युवराज भाई ने लगा दिया पूरा कंप्लीट। ये भी यहीं से कसा जाएगा गाइस, इसमें कोई इतनी तकलीफ नहीं है। देखो गाइस इसको इस तरीके से कसना है और ये हो गया गाइस फिटिंग में कंप्लीट। अभी इधर से गाइस देखो, इधर से आपको गैप नहीं दिखेगी, ऐसे मिरर आ जाएगा। गैप की कोई दिक्कत नहीं है, इतनी गैप आएगी इसमें क्योंकि इतना इसका फेस बनेगा, इतनी फेस बनेगी और इतनी गैप थोड़ी सी देती है, हल्की सी आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी। तो अभी इधर का तो इंस्टॉल हो गया अपना। तो गाइस अपना पूरा इंस्टॉल हो गया है, देखो इधर की साइड अपन इसको घुमाएंगे गाइस, उधर की साइड ही आएगा पूरा। देखो गाइस दरवाजे पे आ गया, बाहर भी चले गया पूरा, ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया गाइस ज़मीन पे। तो अभी उधर का इंस्टॉल करते हैं और बाहर से देखो गाइस कैसा लग रहा है, एकदम बढ़िया। तो अभी बढ़िया लग रहा है गाइस, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अब उधर का निकालते हैं गाइस, इधर वाला। तो इधर की भी गाइस वैसे ही प्रोसेस है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो इसको निकालते हैं हमारे युवराज भाई अभी इधर। तो गाइस इधर की देखो गाइस, अब देखो इधर नट बिल्कुल अलग लगे, जो कंपनी से आई फिटेड है वो ये वाला हैगा, वो गाइस अलग से लगवाना पड़ता है। हर 12 मॉडल जो गाइस 12 और 13 मॉडल जो गाइस निकले थे ना, उनके बाद में गाइस उधर का आने लगा था, नहीं तो राइट साइड का हमेशा कंपनी देती थी। तो अभी इसको अपन निकालते हैं ये वाला भी। तो गाइस इधर के भी नट निकालना अपने को कंप्लीट। ये पेचकस से खुल जाते हैं गाइस, इतना ये भी नहीं है। सभी स्क्रू गाइस पेचकस से खुल जाएंगे पूरे। तो गाइस इधर का मिलर भी निकल गया, अब इसको ओपन कर लेते हैं गाइस। पहले पूरा साफ कंप्लीट, काफ़ी धूल है गाइस इसमें। तो गाइस इसको भी अपन ने कर लिया साफ गाइस, जब से मतलब लगा होगा, जब से गाइस खुला ही नहीं है ये, अभी अपन ने खोला। तो अभी इधर का लगाते हैं गाइस, खोल करते हैं। तो गाइस ये लग गया अपना, अब गाइस इसको थोड़ा सा इधर अपने को इसको ऐसा चिपकाना है बस, वो ही लग जाएगा पैकिंग ऐसी कैसी। तो गाइस इधर का भी हो गया अपना ये इंस्टॉल और देखो ये काफ़ी बढ़िया चल रहा है। तो गाइस दोनों अपने मिरर गाइस हो गए इंस्टॉल, ये वाला भी काफ़ी बढ़िया है। फिटिंग देखो अब काफ़ी बढ़िया, पूरे फिटिंग सिर्फ करेक्ट है गाइस, पूरा गाइस करेक्ट निकला। दोनों तरफ की फिटिंग देखो, नीचे से भी फिटिंग देखो आप, दोनों तरफ की फिटिंग भी काफ़ी बढ़िया लग गई है, बहुत बढ़िया फिटिंग हो गई। लुक देखो गाइस कितना बढ़िया लुक लग रही है, बिल्कुल अलग गाइस, एकदम बढ़िया और बिल्कुल अलग। तो गाइस ये जो मिरर है गाइस ये वाले होंगे और ये अपने अल्टो एलेक्साई के भी लग जाएंगे गाइस, इसमें अल्टो एलेक्साई भी लग जाएगा, अल्टो के 10 भी आ जाएगा VLI वाला, और बाकी ये नॉर्मल जो अपना 800 है गाइस, अल्टो 800 गाइस उसमें भी लग जाएगी ये वाली, मतलब ओल्ड मॉडल, इससे भी जो ओल्ड मॉडल आता था गाइस उसमें भी ये लग जाएंगे। तो इस तरीके से आपको दिखेंगे और पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। और मैं बता दूँ आपको तो गाइस इसकी कीमत है गाइस करीबन 700 रुपये का गाइस एक पड़ेगा वन पीस, इसमें लिखा है MRP 850 रुपये। तो 100 रुपये शायद जो भी डिस्काउंट वगैरह रहता है वो होके, तो 700 रुपये का अपने को ये पड़ेगा। और गाइस तो अपन दोनों लेके आए हैं, तो गाइस 1400 रुपये के लाए, 1400 रुपये के बारे में गाइस बने रही आपको फिटिंग बताइए, वो फिटिंग गाइस अलग से अपने को लेना पड़ती है। ये दो फिटिंग है गाइस, ये फिटिंग अलग से लेना पड़ती है। तो गाइस ये आती है अपने को अलग से, अपने को लेने के लिए अलग से अपने को पेमेंट देना पड़ता है। तो गाइस ये फिटिंग आती है, ज़्यादा महंगी नहीं है, 150 रुपये की है गाइस दोनों।